गुड इवनिंग बच्चों। फादर, क्या आप हमें राजा दाऊद की कहानी सुनाएंगे? हाँ, मैं आपको राजा दाऊद की युवावस्था की कहानी सुनाऊंगा। तो बच्चों, राजा दाऊद की कहानी सुनोगे क्या? बच्चों, हम शुरू करें? हाँ फादर। बेथलेहम नगर में यिशै नामक मनुष्य रहता था। वो यूदा के वंश का था, बोज और रूत का प्रपोत्र। दाऊद यिशै का सबसे छोटा पुत्र था। वो भेड़ चराया करता था। वो अच्छा संगीतज्ञ था। ईश्वर मेरा गडरिया, मेरा रखवाला है। अरे छोटे मेमने, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या हुआ तुम्हें? बोलो क्या हुआ। मैं वहां जाकर देखता हूं क्या हुआ। अरे शेर, मैं इसे अपनी भेड़ नहीं ले जाने दूंगा। हे तुम, मेरी तरफ देखो, इधर आओ, इधर आओ। वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ, आओ इधर, जल्दी आओ। डर गए क्या? आओ। ये मर गया। दाऊद, दाऊद, तुम कहाँ हो? हाँ, कौन है? दाऊद, तुम यहाँ हो? एलिया, मेरे बड़े भाई। दाऊद, तुम कैसे हो मेरे छोटे भाई? कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? हाँ, क्या तुमने शेर को मारा है? हाँ, मैंने किया है। मैंने इस गोफन से इसे मारा है। वाह मेरे छोटे भाई, तुम बहुत बहादुर हो। ईश्वर मेरे साथ है मेरे बड़े भाई। हाँ ठीक है दाऊद, मेरे साथ आओ मेरे भाई, जल्दी घर पहुँचना है। क्या हुआ भाई, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? भाई, क्या तुम सैमुअल नबी को जानते हो? हाँ, उन्हें जानता हूँ। हाँ, वे हमारे घर आए हैं और भोजन से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या, नबी सैमुअल मुझसे मिलना चाहते हैं? पर क्यों? मैं नहीं जानता दाऊद, पर जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। आप आगे चलिए भाई, मैं भेड़ों को इकट्ठा कर अभी लेकर आता हूँ। नबी सैमुअल को दर्शन प्राप्त हुए थे और ईश्वर का आदेश का पालन कर वे यिशै के पास आए। ईश्वर ने दाऊद को इज़राइल का अगला राजा चुना था। नबी सैमुअल उनका अभिषेक करने आए थे। इज़राइल के ईश्वर तुम्हारा इन लोगों के बीच नेता के रूप में अभिषेक करते हैं। दाऊद का अभिषेक करने के पश्चात सैमुअल आगे बढ़े। इधर साउल के महल में ईश्वर का आत्मा साउल पर नहीं था। वो परेशान रहता था, वो सो नहीं पाता था, वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। स्वामी सैमुअल, मुझे क्षमा करिए। नहीं, नहीं। महाराज की जय हो। कौन कौन है? महाराज, मैं अपने साथ संगीतज्ञ लाया हूँ। मैंने सोचा संगीत आपको आराम देगा। हाँ ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दाऊद है महाराज, मैं गडरिया हूँ, बेथलेहम से आया हूँ। हाँ ठीक है,
संगीत बजाओ। धन्यवाद महाराज। दाऊद अच्छा संगीतज्ञ था। उसका संगीत साउल की बेचैनी में राहत देता था और वो सो पाता था। परंतु एला की घाटी में सब ठीक नहीं था। फिलिस्तीन सेना वहां थी और उनके साथ गोलियत था और वो एक विशाल योद्धा था। सब एक तरफ हो जाओ, हमारा सेनापति गोलियत आ रहा है। वो क्या है? मुझे नहीं मालूम, मैं जाकर देखता हूं। हे मेरे ईश्वर, ये क्या है? कितना ताकतवर और विशाल है। हे इजराइली, तुम साउल के दास हो, अपने सबसे ताकतवर योद्धा को लड़ने भेजो। अगर वो जीत गया तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और यदि मैंने उसे पराजित किया तो तुम हमारे दास होगे। वो क्या कह रहा है? वो चाहता है कि हम सबसे शक्तिशाली सैनिक उससे लड़ने के लिए भेजें। पर हमारे पास उसके जैसा कोई शक्तिशाली नहीं, उसे देखो तो। वो कहता है कि अगर हम जीते तो वे हमारे दास हो जाएंगे, परंतु अगर हम हारे तो हमें उनका दास बनना होगा। ओह, हम इससे कैसे जीतेंगे? हम में इतना शक्तिशाली कोई नहीं। वो तुम्हारा मूर्ख राजा है कहाँ? एलियाब, एलियाब। हाँ, कैसे हो मेरे बड़े भाई? दाऊद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने अपनी भेड़ों को किसके हवाले किया है? मैं तो भेड़े चरा रहा था, पर पिताजी ने मुझे आपसे मिलने भेजा है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? ओ हाँ, वो इसराइलियों, तुम्हारा राजा कहाँ है? क्या वो छुप गया है? वो कौन था? उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे राजा का अपमान करे? वो गोलियत है, फिलिस्तीनियों का नेता। कई दिनों से हम लोगों को ललकार रहा है। पर कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? अरे मेरे छोटे भाई, हमारे किसी सैनिक के पास उससे लड़ने की ताकत नहीं है। जो उसको पराजित कर देगा, राजा अपनी लड़की से उसका विवाह कर देंगे। मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। क्या? मैंने कहा मैं उससे लड़ूंगा। क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है वो कितना ताकतवर है, पल भर में तुम्हें मार सकता है। चिंता मत करो, ईश्वर मेरे साथ हैं। और दाऊद के कहने पर एलियाब उसे राजा साउल के पास ले गया। दाऊद, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुम एक अच्छे संगीतज्ञ हो। आप चिंता ना करें महाराज, मैंने कई शेरों और भालुओं को मारकर अपनी भेड़ों को बचाया है। हाँ महाराज, ये गोफन चलाने में बिल्कुल माहिर है। इसने कितने ही भालुओं और शेरों को मारा है। ठीक है दाऊद, मेरा कवच और टोप लाओ और दाऊद को पहना दो। साउल दाऊद के गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए मान गया और उसने अपने कवच और टोप उसे दिए। क्या हुआ दाऊद? महाराज, मैं इसे पहनकर चल नहीं सकता, मुझे इसकी आदत नहीं। परंतु दाऊद, तुम इसके बिना अपनी रक्षा कैसे करोगे? चिंता ना करें, ईश्वर मेरे साथ है। और दाऊद अपने साथ केवल 5 पत्थर और ईश्वर का आशीष ले युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। तुम यहाँ क्या करने आए हो बच्चे? क्या है तुम्हारे पास, पत्थर? लगता है तुम कुत्तों को भगाने आए हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मार कर कुत्तों को खिला दूंगा, समझे? ये बात तुम जीतने के बाद कहना। तुम भाले और तलवार के साथ आए हो, लेकिन मेरे साथ ईश्वर है। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा मूर्ख इजराइली।
ईश्वर मेरी सहायता कर। अरे ये क्या हुआ, वो परास्त हो गया क्या? गोलियत परास्त हो गया? अरे मेरे भाई ने गोलियत को मार दिया। हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। और दाऊद ने गोलियत को केवल पत्थर से परास्त कर दिया, उसने गोलियत की तलवार से उसका वध कर दिया। ये देख फिलिस्तीनी सेना भाग खड़ी हुई। दाऊद, आज से तुम मेरे अंगरक्षक और सेना के प्रमुख हो। आपके इस सम्मान के लिए धन्यवाद, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा महाराज। और मेरे वचन के अनुसार तुम मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हो। धन्यवाद महाराज। हाँ। और तुम महल में विवाह तक मेरे पुत्र योनातन के साथ रह सकते हो। ठीक है महाराज। योनातन, दाऊद को अपने साथ ले जाओ और उसे अपना महल दिखाओ। जो आज्ञा पिताजी। आओ दाऊद, आओ। दाऊद, मैंने देखा तुमने गोलियत को मार दिया, तुम बहुत बहादुर हो। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। तुम कितने विनम्र हो दाऊद, आज से हम भाई हैं, तुम हम एक हैं, मेरा जीवन तुम्हारा जीवन है। मुझे हमेशा याद रहेगा योनातन, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए है। और तब से दाऊद और योनातन मित्र बन गए। उन्होंने कई युद्ध साथ लड़े और जीते। योनातन युद्ध की जीत से प्रसन्न होता था। इज़राइल के लोग दाऊद को बहुत पसंद करते थे और ये साउल को पसंद नहीं था। दाऊद की प्रशंसा से साउल को ईर्ष्या होती थी और वो डरता था कि कहीं वो उसका राज्य ना ले ले। ओह, कहीं ये मेरा राज्य ना हड़प ले, मुझे कुछ करना होगा। महाराज, हमारी सेना फिर जीत गई। जब वे दाऊद का नाम सुनते हैं तो भाग जाते हैं। हाँ पिताजी, दाऊद को ही हमारा सेनापति होना चाहिए, उसके अलावा कोई योग्य नहीं है। योनातन, तुम जानते हो तुम ये क्या कह रहे हो? क्या हुआ पिताजी? दाऊद जैसा कोई नहीं, और मैं उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ। तुम और तुम्हारा प्रेम, ये तुम्हारा प्रेम एक दिन मेरा राज्य ले लेगा। तो क्या हुआ पिताजी, आपके बाद वही राजा बनेगा, वो इसी योग्य है, मैं नहीं। चुप रहो, मैं उसे वो दूंगा जिसके वो योग्य है। अपने पुत्र को दाऊद की प्रशंसा करते देख साउल की ईर्ष्या बढ़ गई और उसने दाऊद को मारने की योजना बनाई। मैं इसे आज मारूंगा और लोग समझेंगे कि मैं तो पागल हूं ही। हाँ? मालिक, मालिक। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? कोई मेरी ओर तलवार लेकर आया और मैंने भाला फेंक कर मार दिया। कोई बात नहीं योनातन, वो कभी कभी अपने होश में नहीं रहते हैं। तुम ठीक हो ना दाऊद? मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। साउल की ईर्ष्या नफरत में परिवर्तित हो गई थी। साउल ने कई कोशिश की परंतु सफल नहीं हुआ। दाऊद, तुम्हारा जीवन खतरे में है, मेरे पिताजी तुम्हें मारना चाहते हैं। हाँ, मैं जानता हूं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं। क्योंकि वे जानते हैं। क्या जानते हैं? मेरे पिताजी जानते हैं कि नबी सैमुएल ने तुम्हारा अभिषेक किया है और तुम ही राजा बनोगे। मैं और राजा? मैं तो अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा हूं। दाऊद,
तुम इज़राइल के राजा बनोगे, पर आज तुम भाग जाओ। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मेरा जीवन तुम्हारा जीवन है, मेरा जीवन तुम्हारा जीवन है। दाऊद ने वहां से भागने का विचार किया। जब सब सो गए तो दाऊद मिकल से मिलने गया। नहीं प्रिय, मुझे मत छोड़ के जाओ। प्रिय अपना दिल दुखी मत करो, जब पिताजी का मन परिवर्तन होगा तब मैं आ जाऊंगा। नहीं प्रिय, उनका मन कभी परिवर्तन नहीं होगा। नहीं प्रिय, ये खतरनाक हो सकता है, तुम यहीं रुककर इंतजार करो। और जब सब सो गए तो दाऊद खिड़की से उतरकर भाग गया। हे ईश्वर, इनकी रक्षा करना। राजा साउल पागल हो गए हैं, वो हम पर इतने कर कैसे लगा सकते हैं? अरे ये तो लूट है, राजा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं इस कर को नहीं चुका सकता हूँ। वो पागल राजा समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने कर नहीं चुकाया तो वो हमारी भूमि ले लेगा। क्या तुमने सुना नहीं कि उसने नोब के याजक के साथ क्या किया? क्या हुआ? उसने दाऊद को रोटी का टुकड़ा दिया और साउल ने उसके पूरे परिवार को ही मार दिया। हे ईश्वर, वो सचमुच में पागल हो गया है। अब तो एक ही तरीका है। क्या है वो? हम दाऊद के पास चलते हैं, वे बड़े दयालु हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम ठीक कहते हो, दाऊद ही साउल से हमारी रक्षा कर सकता है। अरे तो हम क्या करें, साउल की पूरी सेना भी उसे नहीं पकड़ सकी है। मैंने सुना है वो अब्दुल्लाम की गुफा में है, हमें वहीं चलना चाहिए। साउल से परेशान होकर और कर्ज में डूबे लोग दाऊद से मिलने गए। करीब 400 लोग दाऊद से सहायता प्राप्त करने पहुंचे। दाऊद ने इन लोगों को युद्ध प्रशिक्षण दिया। दाऊद हमारी सहायता करिए, उस राजा ने हमारे सारे खेत सारे पशु ले लिए, हमें बचा लो दाऊद। रो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। साउल सब पर शक करता था, उसका ध्यान फिलिस्तीन के विरुद्ध युद्ध करने का नहीं था। साउल ने सारी सेना दाऊद के पीछे लगा दी। कब तक दाऊद, कब तक मुझे मूर्ख बनाओगे? महाराज, दाऊद और उसके आदमी पहाड़ी पर छुपे हैं और वहां से निकलने का यही मार्ग है। हम उसे रात में पकड़ेंगे, रात भर यहीं पड़ाव डालेंगे और फिर सुबह उसे पकड़ेंगे। आप गुफा में आराम करिए, मैं बाहर पहरा देता हूँ। और जब सब सो गए तब दाऊद चुपचाप गुफा में आया। उसने देखा कि राजा सो गया है। उसने उसका भाला और कुप्पी उठा ली। वो चाहता तो साउल को मार सकता था, परंतु उसने बस दो ही चीजें ली और गुफा से बाहर निकल गया। सुनो, तुम में से किसी ने मेरा भाला और कुप्पी देखी है? नहीं महाराज, हमने नहीं लिया। महाराज! कौन है वहाँ? महाराज! दाऊद, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? ये देखिए, मेरे पास आपका भाला और कुप्पी है। अगर मैं ये ले सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता था। क्या अब भी आप मुझे अपना शत्रु समझते हैं? बताइए महाराज, बताइए, क्या मैं शत्रु हूँ? ये सही कह रहा है, ये मैं क्या करने जा रहा था? दाऊद, मेरे पुत्र, तुम सही हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। साउल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो महल गया। परंतु जब वो महल पहुंचा तो उसे खबर मिली। महाराज! क्या हुआ? महाराज, महाराज, फिलिस्तीनी सेना यहाँ पर है। क्या? हाँ महाराज, एक बड़ी विशाल फिलिस्तीनी सेना अफेक में डेरा डाले है। क्या ये सच है? ये सच है महाराज, मैंने अपनी आंखों से उस विशाल सेना को देखा है। उनकी संख्या की चिंता मत करो, ईश्वर हमारे साथ है। नहीं योनातन, आप परेशान क्यों हैं पिताजी?
मुझे लगता है हम ये युद्ध हार जाएंगे बेटे। आप परेशान ना हो पिताजी, विश्वास रखें। नहीं मेरे बेटे, नबी सैमुअल ने दर्शन देकर मुझे कहा कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। पिताजी। हाँ मेरे बेटे, मेरे गुनाहों के लिए मुझे क्षमा करना। साउल ने सही कहा था, इजरायली युद्ध हार गए। साउल और उसके तीनों पुत्र योनातन के साथ मारे गए। मैं फिलिस्तीनियों के हाथ नहीं आऊंगा, मुझे फिलिस्तीनी जिंदा नहीं पकड़ सकते। स्वामी, स्वामी। कौन हो तुम? मैं इजरायलियों के तंबू से आया हूँ। हम फिलिस्तीनी सेना से परास्त हो गए। और क्या, मुझे जल्दी बताओ। और राजा, राजा और उसके सारे पुत्र मारे गए। अब इसराइल का क्या होगा स्वामी? क्या नहीं? तो बच्चों, जब दाऊद ने यह खबर सुनी तो शाम तक साउल के लिए रोया। साउल ने दाऊद को मारने का प्रयास किया, परंतु दाऊद ने साउल का ईश्वर द्वारा अभिषिक्त होने के कारण सदैव सम्मान किया। फादर, क्या इस लड़ाई में योनातन भी मारा गया? हाँ लूसी, योनातन भी मारा गया। तो मैं इस कहानी से कुछ पूछूं, कौन बताएगा? हाँ फादर। देखते हैं कौन बताएगा। अच्छा बताओ, दाऊद और रूत का क्या संबंध है? मैं बताऊं फादर। हाँ जॉर्ज बताओ। दाऊद ओबेद का पोता था जो रूत का पुत्र था। शाबाश जॉर्ज। अच्छा कौन बताएगा कि दाऊद के वंश का क्या नाम था? युदा वंश फादर, दाऊद युदा वंश के थे। बिल्कुल सही मैथ्यू। अब अगला प्रश्न, दाऊद साउल के महल में कैसे आया? फादर, साउल के सैनिक दाऊद को संगीत सुनाने के लिए लाए थे ताकि वो साउल को संगीत सुना के ठीक कर सके। बहुत अच्छे लूसी। साउल किस कारण दाऊद से ईर्ष्या करता था? दाऊद सब लड़ाइयाँ जीतता था और सब उसका सम्मान करते थे। और जब साउल को पता चला कि ईश्वर ने दाऊद को राजा चुना है, वह उससे ईर्ष्या करने लग गया। बिल्कुल सही। तो बच्चों, कल मैं तुमको राजा दाऊद की कहानी सुनाऊंगा। गुड बाय बच्चों। गुड बाय फादर।